11 महीनों की ऊंचाई पर बाजार निफ्टी 8450 के पार निकला। सेंसेक्स में भी 450 अंकों की तेजी। बीएसई के सभी सेक्टर्स हरे निशान में। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पहले दिन अब तक 80% बढ़ा एलएनटी इन्फोटेक का आईपीओ। इश्यू से 1243 करोड़ जुटाने की है योजना। प्राइस बैंड 705 से 710 के बीच तय। 13 जुलाई को बंद होगा आईपीओ। नतीजों से पहले इंडसइंड बैंक के शेयर में 2% तक की तेजी। बैंक की पहली तिमाही में एनआईआई 35% तो मुनाफे में 24% तक की ग्रोथ का है अनुमान। लफार्ज होल्डसिम ने भारत के सीमेंट कारोबार निर्मा को बेचा। 140 करोड़ डॉलर्स में हुई डील। भारतीय एयरटेल और एयरसेल की 4G स्पेक्ट्रम डील को मंजूरी से भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 2.5% चढ़ा। टेलीकॉम मंत्रालय ने दी ट्रेडिंग डील को मंजूरी। 3500 करोड़ में है स्पेक्ट्रम डील का सौदा। सनफार्मा ने यूके स्पेन नेदरलैंड्स में लॉन्च की कैंसर की नई दवा। 110 करोड़ डॉलर का है नई दवा का बाजार। अगले कुछ महीनों में 6 यूरोपियन देशों में लॉन्च करेगी। एक से दो महीने में घटेंगी दालों की कीमतें। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा दालों के इंपोर्ट के लिए कई देशों से करार। बफर स्टॉक 20 लाख टन करना होगा। जून में धीमी पड़ी कारों की बिक्री। जून में कार बिक्री 5% से ज्यादा गिरी, लेकिन टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में अच्छी तेजी। चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी। एमसीएक्स पर भाव करीब 1000 रुपीज बढ़ा। भाव 48000 के पार। विदेशी बाजार में करीब 3% उछला। बेस मेटल्स में तेजी के सपोर्ट। मॉनसून की तेज रफ्तार जारी। देश भर में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश। देश के 63% हिस्सों में सामान्य बारिश। कुछ दिनों में उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में और भी बारिश की संभावना।